आशंका से हृदय कांप रहा है। धैर्य रखिए भाभी, भैया अवश्य विजयी होकर लौटेंगे। कौन भैया? ये कपड़े कैसे भीगे? नदी तैर कर आया हूं। और तुम्हारे हथियार? वो छीन गए। तुम्हारे साथी? वो सब वीर गति को प्राप्त हुए। ईश्वर ने कुशल किया, तुम्हारा बाल बांका नहीं हुआ। हाँ, मगर तुमने कुल की मर्यादा को कलंकित कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मर्यादा इतनी प्यारी है, अपना पति होता तो छाती में छुरा भोंक देती। अनिरुद्ध विजयी हो कर आया, सारंधा का प्यार चाया। ओरछ की रानी बनी वो, चंपत राय के मान बनी वो। मुगलों का था बोल बाला, मुगलों का था बोल बाला, शाहजहां का शासन का चंपत राय के बनाया काल्पिक जागरदार। धन धान्य आमोद प्रमोद में बीतने लगे दिन रात, मगर सारंधा दिन पर दिन रहने लगी बहुत। तुम उदास क्यों हो? हमने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा, क्या नाराज हो? ऐसा प्रश्न किस लिए? यदि आप प्रसन्न हैं, तो मैं भी खुश हूं। फिर क्या बात है? जब से हम यहां आए हैं, तुमने हमारे सिर पर पाग नहीं बांधी, शरीर पर शस्त्र नहीं सजाए, कारण? आपके ऐसे प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं। क्यों रानी, ओरछे में ऐसा कौन सा सुख था जो यहां पर नहीं है? ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी, और यहां जागीरदार की चेरी हूं। ओरछे में मैं वो थी जो अवध में कौशल्या थी, किंतु यहां बादशाह के सेवक की स्त्री हूं, जिस बादशाह के आने पर आज आप सर झुका लेते हैं। कल वही बादशाह आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्न रहना मेरे वश में नहीं। आपने ये पद और विलास की सामग्रियां बड़े ही महंगे दामों में ली। पर्दा हट गया, धन धन का राजा को फिर आया जाए। ओरछे को आगे बढ़ाने का चंपत राय को आया ध्यान। बुंदेलखंड में नौबत बजी, बुंदेलखंड में नौबत बजी, सारंधा ने पाया सम्मान। चेरी से फिर बनी बुरा कर्तव्य की शान। रानी के गर्व भरे बातों
सरदारों ने चंपत रास किया विश्वास का। शक्ति हुए उनकी नाकाम। ये कथा है रानी सारंगा की, कथा है रानी सारंगा की, ये कथा है रानी सारंगा की, कथा है रानी सारंगा हमने सोचा था कि हम विजयी हुए, परंतु बादशाही सेना ने पिछले 3 हफ्ते से किले को घेर रखा है। रसद चुक रही है, मर्दों की संख्या कम हो रही है और मैं बीमारी की हालत में यहां पर असहाय पड़ा हूं। आज अवश्य ही शत्रु किले में घुस आएंगे। भगवान न करे ये दिन देखना पड़े। यदि हम यहां से निकल चले। मैं जान दे सकता हूं, परंतु अपनी प्रजा को न्यों छोड़ करके भाग नहीं सकता। और महाराज, यदि आपको विश्वास हो जाए कि शत्रु हमारी प्रजा पर अत्याचार नहीं करेंगे तो? कौन दिलाएगा विश्वास? बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। हाँ, तब मैं अवश्य चलूंगा। तो अब आप आराम करें। महाराज, महाराज ये लीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करिए। यहां से चलिए। हाँ, अब मैं अवश्य चलूंगा, लेकिन सारंधा, ये बताओ कि इस प्रतिज्ञा पत्र को प्राप्त करने के लिए क्या कीमत अदा करनी पड़ी? बहुत कुछ। सुनो, अपना एक जवान पुत्र। कौन? अंगद राय? नहीं, रत्न शाह? नहीं महाराज, छत्रसाल। निदान किया छत्रसाल को कर्तव्य के मार्ग पर अपने, आहत पति को लेकर पालकी में चढ़कर घोड़े सैनिकों के साथ कूच किया फिर लक्ष्य को अपने, मुट्ठी भर सैनिकों के साथ कूच किया फिर लक्ष्य को अपने। ये इस वक्त कौन आ रहा है? शायद कोई सैनिक दस्ता है। नहीं, शायद आपके कुंवर हो। नहीं, दुश्मन है, सामना करो। मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूं, ये मेरी अंतिम प्रार्थना है। बोलो बोलो, पूरा करोगी?
अवश्य पूरा करूंगी महाराज। तो ये अपनी कटार मेरी छाती में घुसा दो। नहीं, ये मुझसे कैसे होगा? मैं पेड़ियों में चकड़ा हुआ जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता सारंदा। सारंदा, तुम्हें अपनी आन निभाने का बहुत गर्व था सारंदा। कौन है? रानी साहिबा, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका हुक्म सर माथे पर। यदि हमारे कोई भी पुत्र जीवित हो तो हमारी लाशें उन्हें सौंप देना। हे भारत की नारी, तू धन्य है। अरंधा की जैसी नारी भारत भूमि के जाए है।